इट इज अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कोटा पहुंच चुका हूँ, आज मेरा फर्स्ट क्लास है और ये होटल मेरे को पहले वाले से ज्यादा बेटर लग रहा है, मतलब देख के ही पता चलता है। और ब्रेकफास्ट भी इधर अच्छा खासा आ जाता है। मैंने अभी ब्रेकफास्ट में मंगवाया है 4 बॉइल्ड एग्स और एक वेजिटेबल सैंडविच और एक कॉफी विदाउट शुगर। नहीं आएगा शायद, मेरे को अच्छा नहीं बोलना चाहिए था, बट जो भी है। इसी के साथ ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप बढ़िया बहुत सही मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं अभी फट से ना नाश्ता कर लेता हूँ। मैंने व्लॉग भी अपलोडिंग पे लगा दिया। देखा तुम्हारा भाई कल रात को यहाँ पर कुछ शायद से 1:30 को पहुंचा, पूरा दिन व्लॉग शूट किया और अभी टाइम पे अपलोड करने को भी लगा दिए। होपफुली 11:15 तक हो जाएगा अपलोड अगर इंटरनेट साथ दे तो। क्योंकि कल रात से मैं ट्राई कर रहा था बट कल रात को इंटरनेट चल नहीं रहा था, बट फिर आज सुबह को लाइट जाके आया तो देखा तो ऑल ऑफ अ सडन चल रहा है अभी इंटरनेट। हो जाए तो ठीक है, बट 12 बजे तक आया तो भी माफ कर देना क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग लाइक यू गाइज नो। फिर मैं अपने वर्कशॉप के लिए रेडी होता हूँ और फिर देखते हैं आज का पूरा दिन क्या करता। क्या कर, आई एम रेडी फॉर माई वर्कशॉप। मेरा फर्स्ट क्लास है और मेरे को बुलाया गया तो मैं फट से बक के चला जाता हूँ। जो इतने सारे लोगों को देख के नर्वसनेस हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है। ओ भाई क्लास हो गया फर्स्ट, इतना अच्छा लग रहा है कि अभी पूरा फ्री है, कुछ नहीं करने को, रेस्ट करके मस्त जिम जा सकते हैं अभी। और मैं ना तब से सोच रहा हूँ कि मेरे को ये होटल के बारे में क्या अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है। मतलब मेरे को नहीं पता कितने लोग समझ पाएंगे ये चीज को, बट मेरे को ऐसा लगता है, इट्स जस्ट माई थॉट ओके, कि एक होता है एकदम शेडी होटल, बट शेडी होटल तुम समझ रहे हो ना, एकदम ही शेडी होता है। दूसरा होता है ये वाला होटल जो अंकल आंटियों वाला होटल होता है, जहां पर हर बेल बॉय का है ना एक वियर्ड सा मॉनिटर करने का स्किल होता है। वो लोग रूम में भी आएंगे तो भी इधर उधर देखते रहेंगे कि इधर किधर हमारा, हमने कुछ तो भी इधर छुपा था, वो वही जगह पर है कि नहीं, वो वाला। और फिर आता है 5-स्टार होटल, तो ये वो वाला, ये अंकल आंटियों वाला होटल है। यहाँ पर अंकल आंटियों का मिलन होता है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। मैं जब भी रूम खोलता हूँ ना वो बेल बॉय को ही देखता हूँ मैं कि वो क्या देख रहा है। मैं उधर उधर देखता हूँ कहीं कैमरा वैमरा तो नहीं है, मैं नंगा हूँ तो भी मेरे लिए डिफिकल्ट है ना। मैं वर्कआउट करके आ गया, मेरे को एक्चुअली जिम में वर्कआउट करने का मतलब रिकॉर्ड करने का था, बट वो ट्रेनर ने इतना हेवी करवाया और मैंने तेरे को इतना मिस किया, इतना मिस किया मैंने तेरे को। बट बेचारे का क्लास था, कोई नहीं, हम लोग कल 12 बजे भी जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। माई फ्रेंड पवन बुल्स, द वन हु गॉट मी इन कोटा फॉर द फर्स्ट टाइम, है कि नहीं। नाउ आई एम विजिटिंग फॉर द थर्ड टाइम। हां थर्ड टाइम, पहले एनालिटिक्स फिर मूवमेंट। हां भाई मेरे को ये ऐसा लग रहा है ये आशुतोष राणा जैसा दिखते हैं, सच में दिख रहा है। शिट राज मूवी जैसा भाग के आएगा अब मेरे पास। हमारा स्टोरी बाद में, हमारा जैकी पहले। हेलो अंकल जी, पहचाना? कैसे? कैसे? बढ़िया बढ़िया।
आपसे ही मिलने आया, ये भी आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहा है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा बाहर चले या कहीं, तो बोला नहीं घर पे अंकल से मिलना है, चलो भाई घर पे चलते। पहचान लिया यार इसने, क्यों नहीं पहचाने का, वापस करेंगे पहले जैसा कुछ। हाँ ना, सब एक साथ। अभी कहाँ कर रहे हो, यहाँ कोटा में? हाँ। नहीं अभी तो कोटा आए हैं। स्टोरी थोड़ी देर में अंकल से मिल के आता हूँ। आया छोटे तेरा बर्थडे आया, बर्थडे आया तेरा छोटे छोटे बर्थडे आया, तेरा बर्थडे आया छोटे तेरा बर्थडे आया। छोटे छोटे अरे मेरे पे भी कोई ध्यान दो, मैं भी हूँ। कल रात को हम डिनर विनर करके घर आ गए, क्या हुआ मैं तुम लोगों को टूवर्ड्स द एंड बताता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल चालू है। अभी मैं वापस जिम जा रहा हूँ, कल मैंने लेग्स ट्रेन किया, आज मेरे को अपर बॉडी ट्रेन करना है, और फिर हम लोग को तुरंत जयपुर के लिए निकलना भी है, और तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करनी है। यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है तो मैं ब्लॉग अपलोड भी नहीं कर सकता, जयपुर जाके करना पड़ेगा मेरे को, बट आई विल सी यू वेरी सून। बाहर से कहीं से भी आ रहे हो तो एनी टाइम फिटनेस में आओ, कि यहाँ पर हम दोनों को भी फ्री प्रोटीन दिया हम लोग ने वर्कआउट के बाद। बहुत ही स्वीट मैनेजमेंट। यही है भाई, ये इनके पास ट्रेन करना ही है भाई, पुनर्जन्म इज द वर्ड। थैंक यू। तो मैंने वर्कआउट कर लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को वर्कआउट करने में, बट गाइस मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, इसीलिए कल मैं पवन से भी मिलने गया था, क्योंकि उसके डैड से मेरे को मिलने का था। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में जब से मैं और रिया डेट कर रहे हैं कि मैंने उसका बर्थडे मिस किया है। अभी ये काम मैंने उठाया क्योंकि जैसे मेरा IKF आ रहा है, और मेरे को मतलब अभी से मेरे को 8 महीने तक कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना पैसा रिकवर कर पाऊंगा। थोड़ा सा सैड है कि मैं उसके बर्थडे पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मतलब कैसे बताओ, अभी बताने ऐसा है नहीं कुछ, बट देन मेरे को करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, सैक्रिफाइसेस है कि नहीं। अगर IKF नहीं होता तो शायद से मैं टूर पे भी नहीं आता, बट देन IKF है तो मेरे को फंड्स इकट्ठा करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। बट एनीवेज आई वांट यू गाइस टू गो एंड विश रिया अ वेरी हैप्पी बर्थडे कमेंट्स में। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता है तुम लोगों क्या करने गए, वो करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट और दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा टी शर्ट देखो और बोलो कि ये कितना कूल है, ये कितना कूल है। और अभी फिलहाल मेरे को पैक करके निकलना भी है यहाँ से। राइट गाइज, सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, पीस। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था
इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुझको दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने प्यार की सजाए, तेरी ले ले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें। Happy birthday to you, happy birthday dear Ria Pia Gia Chia Mia, happy birthday Mia nahi, happy birthday to you। अरे रे, कुछ भी करो, वीडियो कॉल पे किसी का बर्थडे ना मनाओ। मैं विश करके आता है यार, मेरे को तुम्हारे चक्कर में कम वैल्यू वाला फील हो रहा है अभी।